हे दोस्तों, मैं विनायक गोस्वामी बीजे ऑल इन वन में आपका स्वागत है। कुछ चटपटा सा वीडियो लेके आपका मनोरंजन करने फिर से आ गया। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा और हाँ, शेयर तो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। कलयुग में भगवान विष्णु के भगवान कल्कि अवतार। कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि को कलयुग में हिंदू भगवान भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भविष्यवाणी की गई है। इस वीडियो में हमने भगवान विष्णु के भगवान कल्कि अवतार के बारे में कुछ रोचक तथ्य प्रदर्शित किए हैं। भगवान कल्कि कलयुग को समाप्त करने और सत्य युग के साथ एक नया चक्र शुरू करने के लिए जन्म लेने वाले हैं। उन्हें ऐसे अवतार के रूप में वर्णित किया गया है जो अधर्म, बुराई, गलता, असामंजस्य, अनैतिकता, दुष्टता और उपाध्यक्ष को समाप्त करके अस्तित्व को फिर से जीवंत कर देगा। हिंदुओं ने भगवान कल्कि को भगवान के रूप में चित्रित किया है जो देवदत्त घोड़े पर सवार हैं और उनके हाथ में तलवार है। भगवान कल्कि के इस रूप का वर्णन श्रीमद् भागवतम महापुराण में किया गया है। यह भगवान कल्कि का अब तक का सबसे लोकप्रिय वर्णन है। हालांकि कुछ हिंदू ग्रंथों ने भगवान कल्कि को एक अदृश्य शक्ति के रूप में वर्णित किया है जो बुराई और अराजकता को नष्ट करती है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में भी चित्रित किया गया है जो योद्धाओं की सेना का नेतृत्व करता है। वास्तव में कल्कि नाम काल मूल शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है समय, कलयुग के रूप में। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें कल्कि 10वें स्थान पर हैं। वह अवतार है जो कलयुग के अराजक चरण को समाप्त करेगा। वह बुराई की ताकतों को मिटाने वाला योद्धा है। तो वह समय के एक नए चक्र को फिर से शुरू करने वाला है। यह भविष्यवाणी की गई है कि भगवान कल्कि एक पूर्ण युग के नए चक्र की शुरुआत करेंगे जहां धार्मिकता सर्वोच्च होगी और लोग लंबे और सुखी जीवन जिएंगे। कल्कि अवतार का उल्लेख हिंदू महापुराणों में किया गया है जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। इसके अलावा महान युद्ध महाकाव्य महाभारत में कल्कि अवतार का उल्लेख किया गया है। उन्हें भगवान विष्णु के परशुराम अवतार के विस्तार के रूप में वर्णित किया गया है जिन्होंने उन राजाओं को नष्ट कर दिया जो अराजकता और बुराई फैलाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि कल्कि का यह महाकाव्य चरित्र दुनिया में धार्मिकता और न्याय धर्म को बहाल करेगा। हालांकि वह अस्तित्व के चक्र को समाप्त नहीं करेगा। महाभारत में कल्कि का यह वर्णन मार्कंडेय खंड में मिलता है। हिंदू पुराणों में यह उल्लेख किया गया है कि भगवान विष्णु को एक बार ऋषि भृगु ने श्राप दिया था। ऐसा हुआ कि असुरों ने ऋषि भृगु के आश्रम में शरण ली। एक दिन इंद्र और अन्य सभी देवताओं ने असुरों पर हमला किया जो उस समय निहत्थे थे। असुर ऋषि भृगु काव्यमाता की पत्नी के पास आश्रय के लिए दौड़े जिन्होंने अपनी योग शक्तियों का उपयोग करके इंद्र और अन्य देवताओं को स्थिर कर दिया। तो काव्यमाता असुरों की रक्षा करने में सक्षम थी। इंद्र और अन्य देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने असुरों को बचाने के लिए काव्यमाता का सिर काट दिया। जब ऋषि भृगु लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी की भीषण स्थिति देखी तो वे पूरी तरह से टूट गए। वह भगवान विष्णु पर अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसे शाप दिया कि उसे कई बार पृथ्वी पर सहन करना होगा और मृत्युलोक का दर्द भुगतना होगा। ऋषि भृगु के इस श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को मारकर शांति बहाल करने के लिए कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर आखिरी बार प्रकट हुए थे। वह पृथ्वी को रहने के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान बना देगा। उसके पास जबरदस्त ऊर्जा, महान बुद्धि और साथ ही अनंत शक्तियां होंगी। वह दुनिया में शांति और व्यवस्था स्थापित करेगा। सत्य का एक नया युग पृथ्वी पर उदय होगा। विषय सूची कल्कि अवतार पर नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणियां। क्या कलयुग अपने अंतिम चरण में है? क्या भगवान कल्कि पहले ही पैदा हो चुके हैं? कल्कि अवतार पर नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप से कल्कि अवतार की ओर इशारा करती हैं। उदाहरण के लिए उसने कहा है, 3 जल चिन्हों में से एक व्यक्ति का जन्म होगा जो गुरुवार को अपने पवित्र दिन के रूप में मनाएगा। उसका नाम और कीर्ति भूमि और समुद्र में चारों ओर फैल जाएगी जो पूर्व को संकट से मुक्त कर देगी। यदि हम इस भविष्यवाणी का विश्लेषण करें तो 3 जल निकाय हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अनुरूप हो सकते हैं। तो यह व्यक्ति भारत में पैदा होगा। यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि यह व्यक्ति हिंदू धर्म में पैदा हो सकता है क्योंकि यह वह धर्म है जिसमें गुरुवार को पवित्र दिन के रूप में मनाया जाता है। क्या कलयुग अपने अंतिम चरण में है? कलयुग की कुल अवधि, जैसा कि हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों में कहा गया है, इसमें 432,000 वर्ष शामिल हैं। यद्यपि कलयुग के आरंभ हुए अभी कुछ हजार वर्ष ही हुए हैं, तथापि यह देखा जा सकता है कि आधुनिक विज्ञान के प्रभाव ने कलयुग की गति को आगे बढ़ाया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना कि प्रत्येक युग लगभग 24,000 वर्षों का होता है और कलयुग शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। वास्तव में जो 1000 साल पहले हासिल करने में लगता था वह अब कुछ घंटों में किया जा सकता है। तो आधुनिक विज्ञान के विकास ने मानवता को आपदा के कगार पर ला खड़ा किया है।
उदाहरण के लिए परमाणु हथियार पृथ्वी से मानव जाति को मिटा सकते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह पूरी तरह से मानव जाति को नष्ट कर देगा। इसका मतलब है कि कलयुग अपने अंत के करीब आ रहा है। तो भविष्यवाणियों के अनुसार कल की अवतार कहीं न कहीं अवश्य होता है। क्या भगवान कल की पहले ही पैदा हो चुके हैं? भगवान कल की के जन्म के बारे में कुछ भी ठोस नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में विभिन्न संभावनाएं हैं, आइए एक एक करके उन पर विचार करें। 1. हाँ, उनका जन्म हुआ है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म तब होगा जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में होगा और सूर्य स्वाति नक्षत्र में होगा। इस तरह के नक्षत्र 2012 में मौजूद थे, इसलिए उनका जन्म तब हुआ होगा, बस इतना ही हम नहीं जानते। 2. नहीं, वह अभी पैदा नहीं हुआ है। कुछ हिंदू पवित्र शास्त्रों के अनुसार उनके जन्म की भविष्यवाणी तब की गई है जब कलयुग के अंत में पृथ्वी अंधेरे में शुद्ध हो जाती है, जब तीन महान नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती स्वर्ग में वापस आ जाती हैं, वे सूख जाती हैं। तो शायद वह अभी तक नहीं आया है। 3. हाँ, यदि आप उसे जन्म लेने वाला मान सकते हैं, यहाँ हम कल्कि को एक विचार के रूप में मानते हैं न कि एक इकाई के रूप में, तो कल्कि को हमारे भीतर बहने वाली ऊर्जा के रूप में माना जा सकता है। यह हमें अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने में मदद करता है। यह धर्म का ही अवतार है। जब हम कुकर्म करते हैं तो हम अंधकार कलयुग की चपेट में आ जाते हैं। जब हम उन्हें रोकते हैं तो हम कल्कि को पार कर जाते हैं। इसका मतलब है कि कल्कि का जन्म आपके हाथ में है। जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आप कलयुग को पार कर रहे होते हैं। कल्कि हमें उन नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं जो हमें अपने पोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती हैं। तो हम पाते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु का भगवान कल्कि अवतार हमारा उद्धारकर्ता होने जा रहा है। हालांकि हम सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलकर कल्कि की शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। अंत में हम भगवान कल्कि अवतार की स्तुति करते हैं। जय जय भगवान विष्णु। मेरे वीडियो को देखने के लिए सभी का थैंक्स। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।